अब हमारी खास पहल एमपी का रिपोर्ट कार्ड, जिसमें हम दिखाते हैं सांसदों ने 5 साल में क्या किया अपने क्षेत्र में और जनता उनके काम को कैसे आंक रही है। IBN7 और ADR यानी एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म ने अलग अलग सांसदों का सर्वे कर उनका रिपोर्ट कार्ड तैयार किया है खास आपके लिए। इस सर्वे के आधार पर हमने सांसदों को 10 अंकों के पैमाने पर कई तरह की कसौटियों पर कसा है। आइए जानते हैं ऐसी तमाम कसौटियों पर समाजवादी पार्टी के नीरज शेखर के काम को उनके क्षेत्र बलिया की जनता कितना अच्छा या खराब मानती है। पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के बेटे नीरज शेखर ने पिता की मृत्यु के बाद राजनीति में पदार्पण किया। 2007 में पिता की सीट बलिया से समाजवादी पार्टी के टिकट पर उपचुनाव लड़े और जीते। पहले चुनाव में उन्हें वाम दलों के साथ साथ बीजेपी के एक धड़े का भी समर्थन मिला और वो लगभग 3 लाख वोटों से जीते। 2009 में एक बार फिर जीते और 2014 में एक बार फिर बलिया से ही समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं। सर्वे के पैमाने पर देखें तो बतौर सांसद नीरज शेखर तक पहुंच के लिए जनता ने उन्हें 10 में से 5.29 नंबर दिए हैं। नौजवानों को रोजगार के नाम पर नीरज को 10 में से 4.45 और अस्पताल और चिकित्सा सुविधा के नाम पर 7.66 अंक मिले। बलिया ने कानून व्यवस्था के सवाल पर नीरज शेखर को 7.64 अंक तो बेहतर सार्वजनिक परिवहन के लिए 6.37 नंबर दिए। जहां तक अच्छी सड़कों का सवाल है तो नीरज को 10 में से 5.39 नंबर और अच्छे स्कूलों के नाम पर 6.37 अंक मिले। जहां तक पेयजल की सुविधा का सवाल है तो बलिया ने नीरज को 5.68 नंबर और महिला सुरक्षा के नाम पर 5.52 अंक दिए। रहा सांसद पर भरोसे का सवाल तो बलिया से नीरज शेखर को 10 में से 5.48 अंक मिले। इन तमाम पैमानों पर नीरज शेखर का औसत 10 में से 5.81 अंकों का रहा। यानी आप कह सकते हैं कि नीरज शेखर का प्रदर्शन 60% से जरा सा ही कम ठहरता है। ब्यूरो रिपोर्ट IBN7।